हेलो एवरीवन, यूनिक ऑनलाइन गुरु में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रवीण तिवारी है और आज हम अंग्रेजी के ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन ऐसे शब्दों को हम बोलने के बाद भी गलत बोलते हैं और उनका एग्ज़ाम में हम गलत जो है आंसर लगा करके चले जाते हैं। तो आइए आज हम जो है इन्हीं सब शब्दों पर चर्चा करते हैं। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो हम प्रतिदिन बोलते हैं लेकिन वो गलत होता है, और उनका सही क्या होता है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। इंग्लिश ये हमारा टॉपिक है और इसमें हम चर्चा करेंगे करेक्ट वर्ड्स के बारे में, कैसे जो है करेक्ट वर्ड्स हम लिखते हैं। ठीक, पहला शब्द है हमारा, जैसे हम लोग बोलते हैं नॉलेजफुल, नॉलेजफुल जैसा कोई शब्द होता नहीं है लेकिन ये बोला जाता है। और करेक्ट क्या होता है, नॉलेजफुल ज़्यादातर लोग जो है बोल देते हैं, लेकिन इसका जो है सही अर्थ क्या होता है, सही जो है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका नॉलेजफुल ना होकर के बल्कि हम इसको नॉलेजिबल कहते हैं। इसी तरह से एक शब्द आता है बाउंडेशन, ज़्यादातर लोग यहाँ पर बहुत सारी बाउंडेशन है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि गलत होता है। इसके स्थान पर हमें बोलना चाहिए रेस्ट्रिक्शन। बाउंडेशन के स्थान पर क्या बोलना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन। इसी तरह से शब्द आता है सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है डिसबैलेंस, जो कि डिसबैलेंस ना हो करके बल्कि इम्बैलेंस होता है, इसको हम इम्बैलेंस कहते हैं। इसी तरह से आजकल नया जमाना है, खाने पीने के लिए जो है यूज करते हैं लोग शब्द बफर सिस्टम, शादी की पार्टी में जाएं या कहीं भी जाएं कहते हैं बफर सिस्टम था, तो बफर सिस्टम जैसा कोई शब्द होता नहीं है, उसके स्थान पर यूज किया जाता है बुफे, इसको बुफे पढ़ते हैं जिसमें टी साइलेंट होता है। इसी तरह से एक हमारा शब्द है डिस्पोजल ग्लास, अक्सर जो है हम जाते हैं डिस्पोजल ग्लास कहते हैं डिस्पोजल ग्लास, कहीं भी जाते हैं जैसे चाय पीने के लिए जो है जाते हैं तो चाय की दुकान पर जाएंगे तो कहेंगे भैया हमको डिस्पोजल गिलास में चाय दीजिएगा, वह डिस्पोजल गिलास नहीं होता, उसको कहा जाता है डिस्पोजेबल ग्लास। इसको कहते हैं डिस्पोजेबल ग्लास। तो इस तरह से ऐसे कई शब्द हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ये नॉलेजफुल, बाउंडेशन और डिसबैलेंस, ये बफर सिस्टम या डिस्पोजल ग्लास, ये सारी चीज़ें जो है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड में भी इनका जो है यूज़ किया जाता है। और वहाँ पर जब परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम देखते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसको तुरंत टिक कर देते हैं कि यही सही होगा। और ये आकर के जो है जब आंसर भी मिलाते हैं तो आंसर में अगर ये गलत किया रहता है तो हम सीधे जो है कहते हैं आयोग ने आंसर गलत कर दिया, पता नहीं आयोग ने कैसा आंसर मान लिया। तो ये चीज़ें वास्तव में क्या होती हैं ये इसको हम अच्छे तरीके से जानेंगे। और भी शब्द हैं, पासिंग मार्क, पासिंग मार्क अक्सर जो है पूछा जाता है कि व्हाट वाज द पासिंग मार्क इन द एग्जामिनेशन, तो व्हाट वाज द पासिंग मार्क इन द एग्जामिनेशन नहीं होता बल्कि व्हाट वाज द पास मार्क, इसको हम क्या बोलते हैं, पास मार्क बोलते हैं, इसको पासिंग मार्क नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग बोलचाल की भाषा में भी जो है इसको पासिंग मार्क ही यूज़ करते हैं। ऐसे ही और भी शब्द हैं, जैसे एक शब्द है इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर का अर्थ होता है अंग्रेज शिक्षक,
जबकि हमको कहना है अंग्रेजी का शिक्षक, तो अंग्रेजी में इसको जो है इंग्लिश टीचर ना कह करके द टीचर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। द टीचर ऑफ इंग्लिश। बड़ी चीज ये है कि इनको जो है अगर हम हिंदी में भी बोलते हैं कि इंग्लिश टीचर अगर कह देंगे तो गलत हो जाएगा। इसको अगर हम हिंदी बोले तो हमको कहना चाहिए इंग्लिश के टीचर। ऐसे ही एक शब्द आता है, हम लोग बहुत बोलते हैं इसको, कहते हैं ये तुम्हारा फैमिली मैटर है और तुम समझो। फैमिली मैटर, फैमिली मैटर क्या होता है? ये फैमिली मैटर नहीं होता, फैमिली हिंदी में कहना चाहते हैं पारिवारिक मामला, लेकिन अंग्रेजी में हम इसको बोल देते हैं परिवार मामला। फैमिली मतलब परिवार। तो अब इसको जो है सही क्या लिखेंगे, इसको कहते हैं फैमिलियल मैटर। इसको कहा जाता है फैमिलियल मैटर। इसी तरह से एक शब्द कहते हैं फैमिली मेंबर, ये हमारे फैमिली मेंबर हैं, और ये अक्सर जो है लोग लिखने में बोलने में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, इन सब शब्दों को फैमिली मेंबर बोलते हैं। फैमिली मेंबर नहीं होता, हिंदी में भी अगर बोलना है तो आप कहिए फैमिली के मेंबर, और अंग्रेजी में अगर कहना है तो कहिए द मेंबर ऑफ द फैमिली, मेंबर ऑफ द फैमिली। इसको कहेंगे मेंबर ऑफ द फैमिली। एक शब्द आता है फ्रीशिप। फ्रीशिप ये कहते हैं फ्रीशिप के लिए अप्लाई कर दिए हैं, तो ये फ्रीशिप नहीं होता, बल्कि इसको कहते हैं फ्री स्टूडेंटशिप कहते हैं। फ्री स्टूडेंटशिप कहा जाता है। इसी तरह से एक शब्द है, जैसे कहते हैं बहुत से ये भैया बहुत एक्सपीरियंसफुल हैं, ये एक्सपीरियंसफुल जैसा शब्द होता नहीं है, बल्कि इसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस्ड। ये होते हैं एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंसफुल नहीं होता। कहते हैं दो फैमिली के बीच में डिवाइडेशन हो गया, और हमको डिवाइडेशन, कुछ लोग कहते हैं हमको डिवाइडेशन पसंद नहीं है, तो ये डिवाइडेशन नहीं होता, बल्कि इसको कहा जाता है डिवीज़न। इसको कहा जाता है डिवीज़न। तो ये ऐसे शब्द हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन इनका जो है कोई सही जो है जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि कारण इसका ये है कि हम बोलचाल की भाषा में ये हमको इतना ज़्यादा खोल दिया गया है दिमाग में कि ये कहीं भी परीक्षा में अगर इस तरह से आ जाते हैं या कहीं भी हमको बोलना ही रहता है तो हम सबसे पहले यही बोलते हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम इसको सही भी अगर बताने जाएँ, सही भी अगर बताते हैं तो भी जो है हमारे लिए समस्या होती है। सही बोलेंगे तो चार लोग हमको ऐसे ही देखना शुरू कर देते हैं कि क्या है, लेकिन वास्तव में कभी डिक्शनरी में इन सब शब्दों को सर्च करिए और ये सारे शब्द आपको मिलेंगे कि वास्तव में ये नहीं बल्कि ये शब्द होते हैं। तो गलत और सही जो है आपको अंदाज़ा लगाना है कि कैसे शब्द हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले चीज़ ये है कि आप कोई भी शब्द बोलिए उनको कम से कम डिक्शनरी में ज़रूर कंसल्ट करिए, तब जा करके आप जो है शब्दों में अंतर कर पाएंगे और किसी भी शब्द की सही स्पेलिंग लिख पाएंगे। तो ये ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे, और जो कि एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन जो आता है, कम से कम दो नंबर का क्वेश्चन रहता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का, कभी कभी तो जो है ये तीन चार क्वेश्चन जो है हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए कि गलती से एक क्वेश्चन भी अगर आप जो है इस तरह का आया और इसको आप गलत करके आ गए तो ये तो बहुत बड़ी भूल होगी। कारण इसका यह है कि ये गलत करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि डिक्शनरी में हम इसको कंसल्ट नहीं करते और ना ही ये कोई जो है हमारे सामने सही बोलता है। इसी तरह से हम बहुत सारे ऐसे शब्दों को जो है देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ऐसे सारे इतने सारे शब्द जो है हमारे सामने आए जो कि गलत हम रोज़ बोलते हैं, तो आज से आप लोगों के लिए एक ये सबसे सख्त निर्देश है कि कम से कम जो शब्द आप बोलिए कम से कम उसको सही बोलिए, अच्छा बोलिए, और करेक्ट प्रोनंसिएशन के साथ बोलेंगे तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कभी नहीं होगी। ये तमाम चीज़ें हैं और एक एक करके हम इन सभी पर डिस्कस करेंगे। अभी आज वर्ड पावर के बारे में, मतलब आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के बारे में बताएं कैसे हमको करेक्ट वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। अब इसके बाद जो है हम पूरा ग्रामर का सेक्शन ही जो है पूरा जो है एक एक करके आपको आपके सामने लाएंगे। और आज के लिए हमारा जो है वीडियो यहीं तक का है, और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हों
तो आप इसको जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।